अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए फिर एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, चिकन की रेसिपी जिसका नाम है बटरफ्लाई चिकन। तो चलिए अपने शेफ से जानते हैं इसके क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। चलिए अपने शेफ की तरफ। बटरफ्लाई चिकन के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन के पीसेस इस तरह से काट लिए हैं। लहसुन अदरक, बटर मस्का है हमारा बटर, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, मैदा, लेमन, अगर लेमन नहीं है तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली सॉस, और आलू को ऐसे स्लाइसेस में हमने काट के उसको थोड़ी देर पानी में सोक करके रखे हैं। ये हमारे मसाले। अब इस चिकन में हमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, ये जो बटर था ये 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, इसमें थोड़ा सा रेड कलर, ये ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और लेमन इसमें ऐड कर देंगे हम। नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्वांटिटी के साथ दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं हमारे मैरिनेशन को, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप इसको 15-20 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। अब ये जो पटेटो चिप्स, 2 घंटे हो चुके हैं हमारे मैरिनेशन को, अब हम इसे पटेटो चिप्स है इसका बटरफ्लाई बनाना है, इसके बीच में हम एक ये चिकन का पीस इस तरह से रखेंगे और ये स्टिक है हमारी, इसको इस तरह से हमें देखो इस तरह से हमें सारे चिकन को स्टिक में इस तरह से हम डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल हमारे बटरफ्लाई की शेप में रेडी है चिकन, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनती है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। ये रेडी है हमारे सारे बटरफ्लाई में, हमने सब स्टिक में जो चिकन है उसको रख दिया है। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इस तरह से हम इसे धीरे से फ्राई करेंगे, धीरे से आपको डालना है। इसे मीडियम फ्लेम में हमें फ्राई करना है। हमारे आलू भी अच्छे कलर हो चुका है और ये भी अच्छे फ्राई हो चुके हैं चिकन भी, तो हम इसे निकाल देंगे। और इसी तरह से हम सारे फ्राई करके आपको सर्व करके बताते हैं। इस तरह से थोड़ा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी का शेप सही ना हो तो इसको हाथ से इस तरह से आप थोड़ा प्रेस कर दीजिए। इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, वरना ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसको मीडियम फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है। बटरफ्लाई चिकन कैसे बनी है, माशाल्लाह लग तो बहुत जबरदस्त रही है। चलिए ट्राई करते हैं चिकन बटरफ्लाई तैयार है, देखिए आप कितना अच्छा शेप आया इसका है और मुझे आलू काफी क्रिस्पी है, मैं ट्राई करता हूँ उसको कैसा बनाएंगे।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है, चिकन काफ़ी सॉफ्ट है और ऊपर से ये जो आलू है वो काफ़ी क्रिस्पी है। तो बस यहाँ पे हमारा वीडियो हम ख़त्म करते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें बिकॉज ये एकदम डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को देखते रहें और घंटी ज़रूर आप बजाएँ, क्योंकि घंटी नहीं बजाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो आया। तो चलिए इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।